फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड रिंग द आइकॉन बेल. शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू सो मच. तो चलो अभी हम, आप ये देख रहे हो ये कौन से पत्ते हैं? ये हैं पान के पत्ते. तो ये पान की बेल यहाँ से पूरी जा रही है. तो आपको मैं अपने घर के पान के से बनी हुई चीज़ों की वैरायटी दिखाऊंगी. तो चलो चलते हैं. तोड़ से पान तोड़ो, बहुत ही घर का बढ़िया पान. तो बढ़िया से पान के पत्ते हैं. तो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हो, कैसे लग रही है वीडियोस? अच्छी लग रही है तो आप फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. तो आज किचन में क्या बनने वाला है? कुछ डिफरेंट. क्या बनाएं? पत्ते से बनाएं, जो पत्ता बहुत कॉमन है. चलो, वो पत्ता है पान. पान के पत्ते डाइजेस्टिव के लिए बहुत ही अच्छे हैं. बाहर से अगर आप हैवीली खा के आए हो तो दो पान के पत्ते आप खा लो तो आपका खाना हजम हो जाए. वैसे भी अगर एक दो पत्ते आप दिन में खा लेते हो तो जिसको भी कैल्शियम की कमी है वो खा ले. आप देखते होंगे कि पुराने ज़माने में पानदानी बहुत कॉमन होती थी. हर किसी के घर में पानदानी होती थी पुराने ज़माने में. तो वो खाना खाते थे, पान चबाते थे, तो इससे कैल्शियम होती है. वो भागते थे, बोन्स के लिए बहुत ही बढ़िया है. पर बहुत ज़्यादा भी कंसम्पशन मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा हर चीज़ बुरी होती है. कभी कभी फ्रीक्वेंटली खा ली या जिसको कैल्शियम की कमी है वो खाएं. और ये तो बहुत ही बढ़िया पान की तो इतनी वैरायटीज आ गई है. आग का पान, चॉकलेट का पान, स्ट्रॉबेरी पान, पान की आइसक्रीम, पान के मिठाई, सब कुछ कितना कॉमन हो गया है. तो चलो देखते हैं, आज हम पान के पत्तों की तरफ. आज हम बनाने जा रहे हैं पान के लड्डू. तो चलो देखते हैं. ये मेरे घर के पान के पत्ते बहुत सारे थे तो मैंने सोचा चलो आज पान की वैरायटी बता देती हूँ. वैसे जिसे भी गार्डनिंग का शौक है ये बहुत ही बढ़िया है. एक छोटा सा कटिंग से आप इसे बना अपने घर पर उगा सकते हो, जैसे मनी प्लांट होता है. थोड़ी सी धूप होनी चाहिए इसके लिए. तो ये बहुत ही बढ़िया है, सिंपल एंड ईजी. आप प्लीज़ ग्रो कीजिए. घर का पान बहुत ही टेस्टी होता है. और देखो, मैंने पान के पत्ते ले लिए हैं. घर के पान अगर गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो ऐसे काम में आते हैं. तो हम लेंगे पान के पत्ते, गुलकंद और क्रीम लेंगे, मिल्क मेड लेंगे मीठापन के लिए. वैसे तो गुलकंद भी मीठापन के लिए देगा. और हम ले रहे हैं कोकोनट पाउडर. और थोड़े से डेकोरेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, काजू, बादाम, किशमिश, आपकी चॉइस है. तो पहले हम क्या करेंगे, ये पान के पत्तों को, इसकी जो डंडी होती है बैक साइड डंडी को निकाल देंगे. इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो सभी पान के पत्तों को आप इसकी डंडी निकाल दीजिए और इसे मिक्सी में छोटा छोटा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए. तो अब हम क्या करेंगे, पहले डाल देंगे पान का. देखो मैंने पान को पीस लिया है. पहले हम डालेंगे पान का लिक्विड. मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया. अभी हम डालेंगे क्रीम डाल दो. एक 250 ml क्रीम डाल दो. इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया. पहले हमने पान डाला, 250 ml का क्रीम डाला, 1 tin ऑफ मिल्क मेड डाला. अगर आप मीठा कम खाते हो तो हाफ द टिन भी ओके. और उसके बाद हम डालेंगे
एक बड़ा चम्मच बिग स्पून ऑफ गुलकंद, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 cups ऑफ कोकोनट पाउडर, 1.5 cup, अभी हम गैस को ऑन करेंगे और मैंने पान के पत्ते 25 लिए थे। अभी हम इस पूरे मिक्सचर को पहले कुक करेंगे जब तक ये थिक नहीं होगा। 25 पान के पत्ते, 250 ml ऑफ मिल्क क्रीम, तो अभी बस ये जब थिक हो जाएगा तो अब इसको हम लड्डू बना देंगे। तो देखिए ये बन गया हलवा, पान का हलवा। स्टेप बाय स्टेप देखिए ये पान का हलवा बन गया है। तो अगर फाइनली आप मेरे इस वीडियो को टिल एंड देखिए, इसमें थोड़े से चेंजेस लाऊंगी लड्डू में बनने के लिए। इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है जो लड्डू को फर्म देगा। फिलहाल ये बन गया है पान का हलवा। अगर आप इसी स्टेज में ऐसे ही खाना चाहेंगे तो काजू बादाम डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं, ठंडा सर्व कीजिए ठंडा। अगर आप इसे लड्डू के लिए, तो आपको टिल द एंड वीडियो देखना है। तो आपको एक ही रेसिपी में दो चीज़ें आपको मिल गई हैं, हलवा एंड लड्डू। हलवा का बहुत ही बढ़िया, मैं तो कहूँगी आप इस स्टेज में हलवा भी खा सकते हो ठंडा करके नट्स डाल के। तो कलर देखिए क्या ब्यूटीफुल ग्रीन कलर है। तो अब बनेंगे लड्डू। ये है सीक्रेट रेसिपी फॉर्म बनने के लिए, बहुत बढ़िया होएगा। ये है सूजी, स्मॉल कप सूजी। इसको हम पहले रोस्ट करेंगे। रोस्ट करेंगे तो अगर आप लड्डूओं में डालोगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। हम इसे 2 मिनट्स रोस्ट करेंगे। तो मेरा हलवाई, तो मेरे जो वीडियोग्राफर जी हैं वो पैन से ही टेस्टिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं हलवा ही बहुत बढ़िया बन गया मम्मी। तो चलो हमारे रोस्ट हो गई है सूजी सेमोलिना ड्राई रोस्ट। और देखो हमारे पैन में पान का भी ये थिक हो गया है और अभी ये स्टार्ट हो गया है पैन को छोड़ना, काफ़ी थिक हो गया है। ये स्टेज में जब आपका थिक हो जाए और थोड़ा थोड़ा पैन को छोड़े, उस स्टेज में आप सूजी को डाल दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपके लड्डूज और भी टेस्ट और फर्मनेस में बढ़िया हो जाएंगे। देखिए जब आपका पैन ऐसे छोड़ेगा, आपका पैन छोड़ रहा है और देखो लड्डू बन के आ गया है इस तरह। देखिए कैसे एकदम से बिलीव मी वन शुड। अब हम क्या करेंगे, इसको इस स्टेज में थोड़ा सा गैस को ऑफ करके इसको ढक के रख देंगे। स्टेज में मैं बंद करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करूंगी चीनी और ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि मेरे को लड्डू बनाने से पहले ही मालूम होना चाहिए शुगर करेक्ट है कि नहीं। मस्ट ट्राई डिश, शुगर अच्छी है और बहुत ही यम, बाहर के जैसे स्वीट है। यू शुड ट्राई दिस, बहुत यम है भाई। तो ये जब करेक्ट है तभी मैं इसको लिड दे सकती हूँ। आई एम श्योर कि द शुगर इज करेक्ट। लेट इट सेट फॉर 10 to 15 minutes, देन वी विल स्टार्ट मेकिंग लड्डूस। तो देखिए अभी हमारा पान के लड्डू रेडी है। तो ये गर्म भी है, फर्म हो गया है, इस स्टेज में आप लड्डू बना सकते हो। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा ऑयल ले, घी ले लेते अपने हाथों में, और घी लेके इसके जो लड्डू बनाए हैं घी से टच करोगे बहुत ही बढ़िया। इसको हम क्या करेंगे, अभी 1-2 किशमिश इसमें डाल देंगे और इसको बंद कर देंगे।
और इसको गोला कर देते हैं। इसको गोला करने के बाद इधर रख देते हैं। मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, एक काजू इसके ऊपर। ये जो पान का कलर आया है बिली में बहुत ही बढ़िया और टेस्ट करना चाहिए, इट इज़ रियली टेस्टी। तो चलो अभी हम दूसरा पैटर्न का बनाते हैं। थोड़ा सा घी लिया मैंने फिंगर्स में, घी लेके ये गोले को हमने लिया। अभी हम क्या करेंगे, वापस किशमिश डाल देते हैं इसके अंदर, या काजू भी डाल सकते हो इसके अंदर, जो आपका मर्जी है। और बस इसको राउंड कीजिए। और आज हम क्या करने वाले, इसको थोड़ा सा कोकोनट पाउडर में कर देंगे। अगर आप चाहो तो कोकोनट डाल दीजिए, नहीं भी चाहो तो ये ग्रीन में ही बढ़िया है, जस्ट फॉर अ डिफरेंस, एक दूसरा टेक्सचर हो जाता है, ये देखिए। और अभी हम इसके ऊपर एक काजू रख देंगे। तो अभी हम प्लेटिंग करते हैं। तो चलो देखते हैं, ये मेरे पास है पेपर कप्स, इसमें बहुत कुछ बनता है, तो धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल हम पान के लड्डू इसमें डालेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए, तो अभी मैंने एक लड्डू लिया, इसके अंदर डाल दिया और इधर प्लेटिंग कर दी। तो अभी हम नारियल वाले भी लेंगे, एक एक लेते हैं, एक एक रख देते हैं। ये हैं पान के लड्डू नारियल का कोटिंग के। तो अभी देखिए कितना बढ़िया सा पान का बन गया है। ये सभी पान के हैं और ये थोड़ा सा कोटिंग ऑफ द कोकोनट, पान विद कोकोनट कोटिंग, बहुत ही बढ़िया। और ऐसे यम करके आप डिशेस बनाइए। दिवाली आने वाली है, करवा चौथ आने वाला है, बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, तो दिवाली पे ये बनाइए और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन इन एडवांस, हैप्पी करवा चौथ टू एवरीबॉडी इन एडवांस। तो अपने हस्बैंड्स के लिए मिठाई बनाइए, दिवाली पे बनाइए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी करवा चौथ इन एडवांस। ऐसे स्वीट्स बनाइए, एंजॉय कीजिए, हैव ए ग्रेट टाइम। बहुत बढ़िया, बिलीव मी बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे ही बनाइए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।